नमस्कार, मैं गोपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। हम हर बार गोपाल सिटी साहब से हर किसी मुद्दे पर जब भी कोई इशू आता है तो बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं उसके बारे में क्यों इशू उठा और उसका सोल्यूशन क्या है। सब सिटी साहब बड़ी बारीकी से सबका सही तरीके से सबका हल समस्या का समाधान बताते भी हैं। एक अच्छा डिस्कशन होता है लोक हित के लिए, जनता के हित के लिए। साहब हम जो इस बार अभी जो नए नए इशू खड़े हुए हैं, अभी जैसे भारत बंद था, फिर बीच में अभी समर्ण और इसका आरक्षण का लेकर जो मुद्दा खड़ा हुआ, ये सारे इशू जब अब चुनाव नजदीक आने आ रहा है, 2019 का इलेक्शन अब नजदीक आने को आ रहा है, तो ये तरह तरीके की बवाल शुरू हो चुके हैं। भारत बंद का जो मामला है वो पेट्रोल को लेकर था। पेट्रोल की दरों में कोई भी सरकार आई, कोई भी सरकार गई, सब बोलते थे महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल आज 80 के ऊपर पहुंच चुका है। क्या कांग्रेस बोलती है कि हमारे शासन काल में इतना महंगा पेट्रोल नहीं हुआ कभी? कांग्रेस जो कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस का ये सारा पाप है। 2013 में 83 रुपया पेट्रोल का हुआ था, 83 से भी ज्यादा हुआ था। 2013 की बात कर रहा हूँ। 2013 से 2018 तक 5 साल बीत गए। 5 साल में कितना बढ़ोतरी हुआ है और कांग्रेस के उसके 83 के पीछे 2014 से पीछे जाएंगे तो कितना बढ़ोतरी हुआ, इसका व्हाट्सएप में लोग देख रहे, लोग बर्दाश्त भी कर रहे हैं। कांग्रेस के जूने जमाने का पैसा मोदी जी सब अरब देशों को कर्जा चुका है, मुद्दा नंबर वन। मुद्दा नंबर दो, बार बार हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल की कीमत घटी, इसका लाभ भारत देश को मिला। देश में कैसे प्रधानमंत्री बने जिनके ऊपर भगवान का वरदान है, इसके लिए इतना कीमती घटी और वो पैसे को अच्छे काम में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम में हम लगा रहे हैं। रोड बन रहे पूरे देश भर में, पूरे देश भर में रोड बन रहे। देखिए, रोड अगर आपको बनाना है, कांग्रेस के दिनों में 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एवरेज से रोड बन रहा था, आज 28-29 किलोमीटर के एवरेज पर हम गए। तो कांग्रेस के लोगों को रोड बनाने नहीं आता था, ऐसा नहीं था, लेकिन पैसे नहीं थे। तो ये पेट्रोल और डीजल का जो एडवांटेज मिल गया, वो पैसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हम सरकार लगा रही है, इसकी जानकारी हमने देशवासियों को दिया है और देशवासी बर्दाश्त कर रहे हैं उस बात को, क्योंकि अच्छे काम में पैसा उपयोग में आ रहा है। और रोड बनने से मैंने बताया कि रेती वाले को काम मिलता है, खड़ी वाले को काम मिलता है, डांबर वाले को काम मिलता है, सीमेंट कंपनियां चलती है, स्टील कंपनियां चलती है, और फिर रोड पे जहां रोड बनता है वहां पर मैन पावर दूसरा जो एक्स्ट्रा लगता है, इतने बड़े पैमाने पे जॉब क्रिएट होता है, इससे जॉब क्रिएट होता है। अभी कांग्रेस वाले ये भी बताएंगे कि रोड तो बड़े पैसा वालों के लिए बना रहे करके, कांग्रेस का तो काम ही है, कांग्रेस का काम ही है। इसके अलावा इसका बार बार खुलासा कर रहे हैं कि रोड बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू होने से बड़े पैमाने पे जॉब क्रिएट होता है और देश के लोगों को सुविधा भी मिलती है। और हमने बार बार ये बताया कि रोड एक्सीडेंट 5 लाख हर साल होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। तो ये रोड बनेंगे आने वाले दिनों में, तो ये 1.5 लाख लोगों की जाने बचेगी। ये 1.5 लाख लोग जो है वो मध्यम और उच्च मध्यम परिवार के लोग हैं, तो इनकी जान बचाने सरकार का काम है। नहीं, आपने बताया कि रोड बन रहे हैं, लोगों को जॉब मिल रहा है, सारी बातें होती है, लेकिन साहब पेट्रोल जब महंगा होता है तो जो जो आवाज आने में जो खाने के पदार्थ महंगे होते हैं। मैं आपकी बात समझ गया, आपने भारत बंद की भी बात कही। देखिए, हमारे सरकार के जमाने में भी हम लोग भी भारत बंद विपक्ष में थे, तो करते थे बंद। ये करना, संघर्ष करना, ये लोकशाही का एक अंग है, हमको उससे कोई ऐतराज नहीं, हमको उससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आप वास्तविकता को भी ध्यान में लेना चाहिए। हम लोग बंद करते थे तो उसके 10 कारण थे और लोगों के गले उतरती थी। ये जो इन्होंने बंद किया, ये सिर्फ इनको सत्ता चाहिए इसलिए इन्होंने बंद किया। काफी लोगों का सपोर्ट रहा, काफी बंद का समर्थन रहा, व्यापारी लोग इसमें काफी इन्वॉल्व हुए, समर्थन क्या कहीं कहीं तो लोगों का आवाज सरकार के विरुद्ध में गई। नहीं, देखिए, जब आप कोई कठोर निर्णय करते हैं तो परेशानी तो होती है ना। आपको अगर बुखार आता है तो आप दवा या गोली ले लो तो ठीक है, चलता है, लेकिन आपको इंजेक्शन देंगे तो थोड़ा दर्द तो होता ही है, लेकिन इंजेक्शन से आपकी बीमारी बहुत जल्दी दूर होती है, इसलिए इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग। तो देश को अगर आगे बढ़ाना है, देखिए, बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट के लोग सरकार चलाएंगे क्या, कांग्रेस और उनके साथी सर यूपीए के लोग सरकार चलाएंगे, ये सरकार कौन चलाएगा, ये विषय नहीं है। सरकार देश को कौन आगे ले जाएगा, आज विषय ये है। नहीं तो ठीक है ना,
सरकार चलाते रहो, लोगों को खुश करते रहो और जीत कर आओ, उनके एमपी, उनके एमएलए, उनके मंत्री काम करते रहेंगे। तो इसके लिए देश है क्या? देश विकास के लिए है, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, इसके लिए देश है। और जब बच्चों का भविष्य हमको बनाने का अगर कोई घर परिवार के लोग सोचते हैं तो थोड़ा मन मारना पड़ता है, थोड़ा पेट मारना पड़ता है, तब जाकर बच्चों का हम परवरिश करके उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। वैसे देश को भी आगे बढ़ाना है तो सरकार के तिजोरी में पैसा तो है ही नहीं, अरबों खरबों का कर्जा करके चले गए कांग्रेस के लोग। ऐसा तो नहीं है क्योंकि बुद्धिमान आदमी आ गया, होशियार आदमी आ गया, इसलिए डेवलपमेंट का काम उसने शुरू कर दिया, पैसे बहुत है, कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता था, ऐसा तो नहीं है। पैसे ही नहीं थे तो डेवलपमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स बढ़ाओ तो फिर पैसा आएगा सरकार के पास। लेकिन अगर टैक्स ना बढ़ाते हुए भी कोई और सोर्स होगा तो मैंने कहा कि पेट्रोल का एक एडवांटेज मिल गया सरकार को, लोग तो भर ही रहे थे ना, लोग तो अभी भी भर ही रहे। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ एक एमपी के नाते कि पेट्रोल के ऊपर कोई ना कोई एक कंट्रोल हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिनों में 20 साल के पहले एक बिल्डिंग में अगर कोई गाड़ी आती थी तो उसको स्टेडियम माना जाता था, आज साहब हर गाड़ी, हर घर में तीन तीन गाड़ियां हो गई, अंदर का जगह खत्म हो गया, पूरा रोड पर आ गया, एक एक आदमी गाड़ी लेकर चलते हैं। आप अमेरिका की बात करते हो लेकिन अमेरिका में अगर एक आदमी गाड़ी लेकर चलता है तो उसको एक अलग लाइन होता है जो एकदम कंजेस्टेड वाला होता है, तीन आदमी होता है तो चार आदमी होता है तो उसको अलग होता है। तो इस प्रकार का सिस्टम अमेरिका जैसे देश में विकसित हुआ है, लेकिन भारत जैसे देश में गरीबी की बात हम करते हैं और वहां पर एक आदमी गाड़ी लेकर चलता है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल आना चाहिए। सरकार किसी की भी हो मैं ये मानता हूँ कि इसके ऊपर सरकार ने कड़ा रुख अपनाना चाहिए। तब आपने बताया कि विरोध होना चाहिए, भारत बंद होना चाहिए, जो बात हुई जब चुनाव की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है तो लोकशाही है, लोकतंत्र है, जब जनता की नाराजगी सरकार के खिलाफ जाती है तो उसका कुछ न कुछ असर तो हमारे सरकार के बनाने की चुनाव प्रक्रिया भी तो पड़ने वाली है। हम ठीक है सिस्टम सही बना रहे हैं लेकिन जनता की गलत थी, जनता के मन में भाव पैदा हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, ये कैसे उतारेंगे आप 2019 में इलेक्शन में आप जा रहे हैं जनता के बीच में, कैसे समझाएंगे? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता को वास्तविकता समझाएंगे, जनता वास्तविकता को समझती है, ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझती है। 2014 से पहले की स्थिति और 2019 की स्थिति बहुत अलग है। अगर 2014 के पहले सब लूट मार किया, इसलिए लोग हैरान परेशान थे, कम से कम ये सरकार के बारे में ऐसा तो आरोप नहीं है, सरकार प्रामाणिकता से काम कर रही है, सरकार परिश्रम कर रही है, सरकार देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के दिनों में ये बिल्कुल होता नहीं था, गड़बड़ घोटाले रोज करते थे, इससे जनता हैरान थी, जनता इससे हैरान थी। देखिए हम अपने घर को भी अगर ठीक ठाक करने का कोई प्रयास करते हैं तो बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बच्चों को इतना समझ में आता है कि माँ बाप घर के हित के लिए, हमारे हित के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, वैसा ही देश हित के लिए जब प्रधानमंत्री करते हैं तो देश के लोग समझते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि देश लोग समझते हैं और देश के लोग 2019 को एक बार कड़ा जवाब कांग्रेस को देकर ये बताएंगे कि आपको जो बकवास करना हो करो, जनता अभी भली भांति सब बात को समझती है और एक पॉजिटिव वोट किस तरह से दिया जाता है ये 2019 को बताया। जब आप बोल रहे हैं जनता समझ रही है, अच्छी तरह समझ रही है, सरकार की नीतियों को समझ रही है, भारत बंद में इतनी बड़ी सफलता, काफी बड़े पैमाने पर भारत बंद होना का, ये कैसे बताएंगे कि जनता समझ रही है? अगर जनता समझती तो भारत बंद में उतना इन्वॉल्व नहीं होती, पब्लिक इन्वॉल्व होती, जनता इन्वॉल्व नहीं होती, पार्टियां करती है ना उस, लेकिन लोगों का जो समर्थन हुआ वो कैसे? लोगों का समर्थन का अगर आप बात करें तो मैं भी भारत बंद के दिन कलेक्टर डिपार्टमेंट में जाकर मीटिंग करके आया, मैं मेरी गाड़ी से बोरिवली स्टेशन पर उतरा, मेरे ट्रेन पकड़ कर बैठा गया और पूरा मैं मीटिंग करके आया। भारत बंद बिल्कुल नहीं हुआ, टोटल फेल हुआ, ये इस बात का मैं दावा नहीं करता हूँ। देखिए लोकशाही का हमको सम्मान तो करना ही पड़ेगा, मैं उस बात का दावा नहीं करता, लोकशाही का सम्मान नहीं, जनता के समर्थन का। निश्चित कुछ दुकानें बंद थी, आपने सवाल किया, मेरा जवाब तो दो, लोगों तक सही जवाब तो जान दो। मैंने बिल्कुल तो नकारा नहीं कि भारत बंद टोटल फेल हुआ था, नहीं बंद हुई थी। लोग अभी मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में तोड़फोड़ से लोग डरते हैं, दिन भर धंधा करके 500 रुपया कमा रहे नहीं और 1000 रुपए का नुकसान होता है तो ये किसको परवड़ेगा, इसलिए भी लोग बंद करते हैं। इस बार के भारत बंद इसलिए भी लोग बंद करते हैं, बहुत बड़ी खबरें नहीं आई। मैं वही तो बता रहा हूँ, दुकानें बंद थी तो तोड़फोड़ हुई नहीं, दुकानें बंद थी तो तोड़फोड़ हुई नहीं, तो तोड़फोड़ के नहीं हो सकता, शांतिपूर्ण लोगों से समर्थन किया और इसलिए बंद हुआ। मैं वही बता रहा हूँ कि टूट-फूट के डर से लोग बंद करते, तो बंद को समर्थन था ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। और अगर
पेट्रोल का रेट बढ़ा है, इसलिए अगर लोगों की नाराजगी भी है तो हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये पैसा हम डेवलपमेंट के काम में लगा रहे हैं। अगर समझो पेट्रोल का रेट हम कम कर देते हैं तो फिर डेवलपमेंट के लिए और माध्यम से पैसे निकालना पड़ेगा, आखिर पब्लिक का पैसा ही जाएगा। एक मैसेज और घूम रहा है सर, जैसे आपने बताया कि पेट्रोल के भाव 2013 में कितना था, 83 था, अभी कम हुआ, धीरे धीरे कम हुआ, फिर बढ़ा। लेकिन एक बात समझ में आती है कि सर, नेपाल हमारे यहाँ से पेट्रोल लेता है और उसके यहाँ सस्ते दाम पे पेट्रोल मिलता है, हमारे यहाँ क्यों महंगा? ये लोगों की बातों में एक सवाल घूमता है। मैं बताता हूँ, देखिए नेपाल एक छोटा देश है, नेपाल के लोगों का कल्चर, नेपाल भारत जितना विकसित हुआ है उतना विकसित हुआ है, उनके एक सोच है, उनके एक समझ है, एक छोटा देश है, वो लोग अपने दायरे में जीते हैं। भारत दुनिया के साथ में कॉम्पीट करने का प्रयास है, स्पेस पे हमारे लोग जाते हैं, इतने सारे सैटेलाइट छोड़े हमने, ये सारा नेपाल के पास है क्या? नहीं, तो इसके लिए पैसे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतने बड़े पैमाने पर हम करते हैं। आज हिंदुस्तान के लोग एजुकेटेड हो गए, पढ़ लिख कर तैयार होते हैं, बच्चे विदेश में जाकर कामकाज करते हैं, सारे दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम भारत देश करता है, भारत देश के लोग करते हैं, इसलिए नेपाल के साथ में हम कंपेयर नहीं कर सकते। मुद्दा नंबर वन, मैं उसका भी आपको उत्तर देता हूँ। अभी हम लोग महाराष्ट्र में है तो स्टेट टैक्स है, गुजरात में पेट्रोल के ऊपर स्टेट टैक्स है, तो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाकर वो राज्य भी जो पैसा आता है उसमें से सारा व्यवहार चलता है, उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने पिछली बार 2 रुपया शुगर का रेट ज्यादा होगा तो उनको सब्सिडी देने के लिए वहां पर मैनेज कर दिया ताकि पब्लिक को थोड़ा सस्ता मिले, तो वो अभी परमानेंट है। तो इस प्रकार करते करते भी स्टेट टैक्स जो है वो बढ़ते जाता है, इसलिए पेट्रोल का रेट इतना ये बात को हमको समझना पड़ेगा। अब कोई बुद्धिमान ये कहेगा कि विदेश में पेट्रोल का इतना है या तो नेपाल में इतना है, इसलिए भारत में भी इतना होना चाहिए, तो भारत में ये जो स्टेट टैक्स लगाकर जो पैसे आते हैं उसमें से सारा ये कामकाज चलता है, तो उसको हमको बंद करना पड़ेगा, या तो उसको आपको बंद नहीं करना पड़ेगा तो फिर दूसरा कोई जरिया पैसा इकट्ठा करने का ढूंढना पड़ेगा। तो कुल मिलकर तो बात तो वही आ जाती है ना, इसलिए सरकार कोई किसी की भी हो, ये स्टेट टैक्स लगाने का जो नियम भी बनाया था किसने, हम तो अभी सरकार में आए ना साहब, महाराष्ट्र की अगर मैं बात कर दो, पहला 4.5 साल हमने राज चलाया, अभी वापस ये 4.5 साल पूरा हो गया, इसको छोड़ेंगे तो पूरा कांग्रेस ने राज किया। तो पेट्रोल के ऊपर स्टेट टैक्स लगना चाहिए, ये कायदा तो कांग्रेस के दिनों में हुआ ना, तो फिर हमने तो उसका कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए पैसे लगते हैं, तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना भी पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और समझाते हैं, तो पेट्रोल की बात हुई, महंगाई की बात हुई, उसको कैसे समझाएंगे सरकार? देखिए सर, जब कोई सरकार में होता है तो विरोधी पक्ष को हमेशा मुद्दा मिलता है कि महंगाई बढ़ रही है। जब सरकार पक्ष में भी पार्टी जाती है तो उसको नहीं कोई, तब उसकी आवाज नहीं उठती कि महंगाई बढ़ रही है। क्या नहीं मानते आपकी पहले की अपेक्षा, आज से 5 साल की पहले की अपेक्षा महंगाई बढ़ी है या स्थिर है या कम हुई है? आप क्या बताना चाहेंगे, महंगाई बढ़ी है? आप अगर किसी या इसमें कोई रोक नहीं लगाया जा सकता? मैं बता रहा हूं आपको, आप अगर किसी भी एक चीज का तुलना 5 साल के पहले के रेट और अभी के रेट में करेंगे तो निश्चित बढ़ा हुआ दिखाई देगा, कुछ बातों में कम हुआ वो भी दिखाई देगा, लेकिन हम बाय लार्ज जो बढ़ता है उसकी बात करते हैं तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आप ये भी तो देखिए ना, उदाहरण के तौर पर मैं जो काम करता हूँ, मुझे 5 साल के पहले जो तनखा था उसमें बढ़ोतरी हुई है, आपको जो 5 साल के पहले तनखा मिलता था उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी क्यों होती है? कि महंगाई हर साल बढ़ते जाता है, एक नियम है, वो बढ़ते जाता है, इसलिए उसकी महंगाई भी बढ़ती जाती है। आप ये कहेंगे कि 5 साल के पहले जो रेट था वही रेट देना चाहिए लेकिन हमारा तनखा बढ़ता जाना चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है। एवरेज बढ़ता है लेकिन एवरेज के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, इस मत का सरकार भी है और इस मत का मैं भी हूँ। कुछ बातों में अगर बढ़ा भी है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी GST इम्प्लीमेंट हुआ है, सरकार के पास पैसा बड़े पैमाने पे आ रहा है। GST इम्प्लीमेंट जब हमने किया था तब कितने टैक्सेस थे, फिर उसमें से हमने टैक्सेस कम किया, अब और बड़े पैमाने पे अगर पैसा आएगा तो कुछ रेट आने वाले दिनों में और भी कम होगी। ये सारा ठीक ठाक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 4.5 साल में केंद्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने अपने माध्यम से जो भी प्रयास करना चाहिए तब किया। हमने बहुत परेशानी लोगों को हो
इसका रास्ता हमने खोद लिया, उसका इलाज उपाय हमने किया है, लेकिन और भी शिथिलता लानी होगी, सहूलत देनी होगी लोगों को, तो उसके बारे में सरकार सोच रही है। और मैं आपको इस बात का दावे के साथ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार प्रामाणिकता के साथ लोगों का सेवा करेगी। अगर कहीं हम थोड़ा ज्यादा पैसा भी लोगों के पास से लेते हैं तो उसका एक एक पाई का हिसाब 2019 के चुनाव के पहले मोदी जी देंगे। कितना पेट्रोल का कर्जा हमने चुकाया इसका हिसाब भी देंगे। पेट्रोल में से जो पैसा आया उसका डेवलपमेंट का काम कितना पूरे देश भर में हुआ है उसका हिसाब किताब भी हम देंगे। सारा लेखा जोखा लोगों के साथ में सामने रखने के बाद में हम लोगों से वोट मांगेंगे फिर एक बार कि 5 साल का मौका दीजिए, हम आपको इससे अच्छा बेहतर काम करके दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर जनता को समझाने की बात आती है साहब, एक बात आपने बताया कि दाम बढ़ता है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ती है, इनकम ग्रोथ बढ़ती है, अगर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम महंगाई कम करें, भले पेमेंट को थोड़ा कम करके जनता के गले तो उतरे कि महंगाई कम होती, क्योंकि महंगाई का मुद्दा ज्यादा होती है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि नहीं होना चाहिए कम, एक बार आपका तनख्वाह जो फिक्स हो गया उसे आप अगर बढ़ा कर दे नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें घटाने का काम तो नहीं होना चाहिए। मैं एक बात से सहमत हूँ, ये महंगाई जैसे बढ़ता है तो तनख्वाह कुछ लोगों का बढ़ता है, सारे लोगों का बढ़ता नहीं। जो छोटे छोटे जगह पर लोग काम करते हैं गरीब लोग, उनके लिए समस्या पैदा होती है, तो निश्चित उनको थोड़ी हैरानी परेशानी होगी, तो उसका हमें खेद है। लेकिन हम ये सारा जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, मोदी जी जो सारा कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए कर रहे हैं। गरीब लोगों को अच्छा घर मिले, गरीब लोगों को बिजली मिले, 4.5 करोड़ लोगों को देश में बिजली सरकार के पैसे से देने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, दे रहे। ये पैसा कहाँ से आया? ये इसी तरह से आया। 9 करोड़ लोगों को LPG का कनेक्शन मुफ्त में देने का काम मोदी जी ने किया, ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना। आखिर जीवन मान का दर्जा तो बढ़ा है ना। मुझे थोड़ा परेशानी है, आपको थोड़ा परेशानी है, लेकिन मेरे और आपसे नीचे के लोग जो है उनको थोड़ा सा मदद हो रहा है ना, थोड़ा सा मदद हो रहा है ना। तो ये सरकार किसके लिए है? सरकार माँ बाप अगर कहा जाता है तो सरकार जो एकदम गरीब है, जो एकदम नीचे के तबके पे है, उसके लिए सरकार है। बड़े के लिए भी सरकार है, लेकिन बड़ा जी तो रहा है, बड़ा जी तो रहा है ना, तो वो नीचे वाला तो बेचारा जी नहीं रहा है, तो सरकार उसी के लिए कर रही है। तो जब उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती लेकिन महंगाई बड़ों के आधार पर बढ़ती, मैंने कहा ना, तो उनको लाइट की व्यवस्था कर दी, उनको LPG कनेक्शन का व्यवस्था कर दिया, उनको अच्छा घर मिले इसलिए लो कॉस्ट हाउसिंग सरकार बना रही है, उनको शिक्षा की व्यवस्था की है, उनको बीमार गिरते तो दवा लगती तो दवा की व्यवस्था हुई है, जेनरिक मेडिसिन लाया, दवाइयां सस्ता की, 5 साल में 10 करोड़ लोगों को, फैमिली को 5 लाख रुपए का मेडिकल केयर मिलेगा, ये सारी व्यवस्था की है। ये सारा गरीब लोग को हुआ ना, तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है? ये सारा पैसा ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला थोड़ा अधिक पे करेगा तो ही इनको हम दे पाएंगे ना, तो ये समझना पड़ेगा। लेकिन एक बात साहब, अभी आपके एरिया का उदाहरण हम देख लिया जाए, जैसे आपने बताया लोगों को सुविधाएं दी जाती है, ये जनता के गले में क्यों नहीं उतरती, जो आप बताना चाहते हैं और बताएंगे कैसे? आपने एक गार्डन बनाया, रानी का गार्डन बनाया, लोगों का विरोध हुआ, कुछ लोग उसको जो जहाँ पे गरीब तबके के लोग जाकर के वहाँ पे सुकून से हवा ले सकते हैं, स्वच्छ हवा ले वहाँ पे टहल सकते हैं, अपना व्यायाम मान कर सकते हैं, उनके लिए बनाया आप लोगों ने, एक गार्डन बनाया, और उस गार्डन के विरोध में भी तमाम ऐसे कुछ लोग हैं जो उसके विरोध में खड़े हो गए, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? समझाने के लिए उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, अच्छा काम करने के लिए भी विरोध करते हैं। मोदी जी क्या करते हैं? अच्छा ही करते हैं ना, लेकिन उसको भी, उनको भी परेशान लोग करते हैं। तो मैंने झांसी की रानी उद्यान बनाया, उसमें समाज कंटक लोग कोर्ट में गए, कोर्ट को गुमराह किया, गलत सलत पेपर दिया, हमारा वकील कामयाब नहीं हुआ उसको सही बात बताने के लिए, लेकिन जनता ने मुझे इतनी ताकत दी कि सुप्रीम कोर्ट में न मानने के बाद में भी मैंने उस मुद्दे को छोड़ा नहीं, मैं उस मुद्दे के साथ में लगा रहा। अब सरकार मान गई कि नहीं, हमारे अधिकारियों ने गलत किया है, अब उनके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हो गया, जो झांसी की रानी का गेट तोड़ दिया सरकार ने अपने पैसे से बना दिया, और बाकी का सब काम करके देने की बात हुई है। तो ये लड़ने से तो मिलता है ना, मैं अगर चुपचाप रहूंगा तो नहीं, तो मैं लड़ रहा हूँ ना, जनता ने मुझे ताकत दी है, मैं लड़ रहा हूँ, और मैं लड़ता ही नहीं हूँ, तो मैं कुछ त्याग भी कर रहा हूँ। मैं बाहर बैठता था दूसरा दिन नहीं कल, और आज मैं वापस अंदर बैठने का प्रारंभ किया, मेरी जीत हुई है आधा, अगर आधा जीत बाकी है वो भी मैं जीतूंगा। मैं 2019 के चुनाव के पहले, चुनाव कौन लड़ेगा उत्तर मुंबई से तो पार्टी तय करेगी, लेकिन 2019 के चुनाव के पहले झांसी की रानी का जो आधा मसला बचा हुआ है उसमें भी सकारात्मक
निर्णय कोर्ट के माध्यम से आएगा, कोर्ट के माध्यम से आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तब तब आप देखेंगे कि जनता का समर्थन किसके इसके लिए, मैं बता रहा हूँ कि जनता समझती है साहब, जनता समझती है। जनता ने 2014 को समझा, तब तो इतने बड़े पैमाने में मोदी जी को वोट दिया। मीडिया के लोग गुमराह करते हैं, मीडिया के लोग गुमराह, मीडिया के लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मीडिया के लोगों की बात कर रहा हूँ। कुछ मीडिया के लोग है इस प्रकार के, समाज है ना, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं साहब। एक माँ के चार बेटे हैं, उसमें भी चारों का मत एक नहीं होता है, तो मुझे मीडिया का भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं मीडिया से ये जरूर कहना चाहूंगा कि देश हित में अच्छी बातें भी बताना चाहिए। गलतियां हैं तो उसको आप बताइए, और अच्छा कैसे हो सकता है आप अपने बुद्धि का परिचय देते बताइए कि इस प्रकार से करो, पेट्रोल का रेट कम करो इतना 20 रुपया, लेकिन 20 रुपया पैसा आप यहाँ से निकालो, ये बताओ पब्लिक को। सब बोलते हैं कि नहीं वो काम हमारा नहीं, हमारा काम तो सिर्फ कम करो। हम विपक्ष में थे तो हम भी यही कहते थे, मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि हमने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। मैं अब विपक्ष का काम यही है, मीडिया का काम यही है, लेकिन जनता को हम समझाएंगे। एक बात बताइए साहब, जब अभी आज इतना लोगों का सवाल, इतने लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा मीडिया सपोर्ट कर रही है, और आप बोलते हैं कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं। मैंने कब कहा मीडिया हमको सपोर्ट कर रही है? मैंने कुछ मीडिया, कुछ मीडिया नहीं कर रही, लेकिन अभी आरोप आता है कि मीडिया पूरी सरकार के हाथ में बिक चुकी है। मीडिया अपना काम कर रही है, मीडिया वही काम कर रही है जो सही दिखाने करना चाहिए। मैंने कहा मीडिया ने अपना काम करना ही चाहिए, मीडिया के वजह से ही तो हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है। जनता की जो आवाज है, जनता की जो नाराजगी है, मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ मीडिया को भी कि आप पेट्रोल का रेट मान लो कि 20 रुपया कम करने की बात करते हो, चलो हम आपका सुझाव मान लेते हैं। ये 20 रुपया कहाँ से आएगा, ये इफेक्ट कितना बड़ा है? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कॉर्पोरेशन में भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में यही बात करता हूँ। जो हमारा बजट प्रेजेंटेशन होता है, सरकार एक बजट प्रेजेंट करते है कि भाई सरकार को इतना सा पैसा साल भर में आएगा और ये पैसा हम यहाँ पर खर्चा करेंगे। अब हमारा विपक्ष का सिस्टम क्या है, कोई भी हो विपक्ष में, कि हर चीज का विरोध करना। मैं कहता हूँ नहीं, हर चीज का विरोध मत करो, पैसा तो आने का जो है वो इतना ही है। लेकिन पैसा आपको ज्यादा भी आना है तो विपक्ष ने सुझाव भी देना चाहिए, थोड़ा पैसा और ज्यादा ले लो, टैक्स लगा, टैक्स बढ़ा दो लोगों को, लेकिन सुविधा ये दे दो। हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर खर्चा कर रहे हो, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, ये खर्चा आप यहाँ पर करो, ऐसा सुझाव देना चाहिए। हर चीज का विरोध विरोध विरोध, तो जनता को सही क्या है ये समझ में नहीं आता है। जिनको समझ में आता है वो अपने काम धंधे पे पड़े, पैसा कमाने के पीछे पड़े। जो सामान्य लोग है, अति सामान्य लोग है, उनको बहुत कुछ बजट क्या है ये समझ में नहीं आता। उनको तो लगता है सस्ता क्या हुआ, कुछ सस्ता क्या हुआ और महंगा क्या हुआ, वो ही उनको पता चलता है। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण देश हित में मीडिया का भी और विपक्ष का भी होना चाहिए, ऐसा मेरा पहले से मत है, अभी भी है। एक छोटा सा विराम सवाल लेते हैं, छोटा सा विराम के बाद हम कुछ आपके ऊपर कुछ लोगों के सवाल, जो लोगों की बातें होती है उसको हम जानना चाहेंगे। एक छोटा सा विराम।